हेडलाइंस की बात, चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काटजू अस्पताल पहुंचे और फीता काटकर लोकार्पण किया। इसके बाद हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। बता दें कि 5 मंजिला हॉस्पिटल का काम 3 साल में पूरा हुआ है। इसकी लागत करीब 31 करोड़ रुपए है। वहीं 200 बेड के कोविड हॉस्पिटल में 24 घंटे सुविधाएं मिलेंगी। इस मौके पर उन्होंने कहा, कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला सभी ने मिलकर किया, इससे अब नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन तीसरी लहर की चुनौती बनी हुई है, इसलिए तीसरी लहर से लड़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर को तीव्रता पर नहीं आने देंगे, लेकिन यदि आ जाए तो उसका डटकर मुकाबला करेंगे, ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम कोविड की तीसरी लहर से लड़ने की पूरी तैयारी करें। इस समय कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में 200 कोविड डेडिकेटेड बिस्तर तैयार हुए, जिनमें से 150 ऑक्सीजन बेड है और 50 आईसीयू बेड है। इसके साथ भोपाल में बाकी अस्पतालों में भी क्या व्यवस्था की जाएगी, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं।